सो अगर हम वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से दिल के अमराज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो आप अगर परसेंटेज देखते थे बीमारी की, तो इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में, जो जानलेवा हद तक अफेक्ट कर रही थी। उसमें बच्चों की जानें जाती थीं और इवन बड़ों की भी जाती थीं, जिसमें इन्फेक्शंस थे, ख़ास तौर पे पेट से इन्फेक्शन जिससे डायरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन अब हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हार्ट डिजीज़ और कैंसर जो हैं वो इन इन्फेक्शन डिजीज़ को पीछे छोड़ गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि हार्ट डिजीज़ क्या है। हार्ट डिजीज़ जब हम कहते हैं या हार्ट अटैक जब हम कहते हैं, तो ये वो डिजीज़ है जिसमें दिल की शरियानों में तंगी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दबाव खून का रुक जाता है, और जो पट्ठा जहाँ रुकावट दबाव में आई होती है उससे आगे वाला पट्ठा जो है वो डैमेज हो जाता है, और उससे ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है, यानी कि ज़िंदगी का लाइफ स्पैन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो कम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिनमें से एक स्ट्रैटेजी ये है कि हम उसको प्रिवेंट करें, यानी कि डिजीज़ आने से पहले हम उससे बचें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिल की बीमारियों का रेशो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर यंग एज में। तरीका यह है कि थोड़ा सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन पे बहुत ज़ोर देना चाहिए, मिसाल के तौर पे परहेज़, रेगुलर वॉक, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसी को कहते हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें। बाकी ये कि अगर खुदा ना खासा कभी दिल का मसला हो किसी को, या किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और अगर किसी वक्त उसको सीने में दर्द हो यंग आदमी को, तो फौरन करीबी अस्पताल ले जाके ECG कराना चाहिए। ले जाने का पैटर्न जल्द अज जल्द पहुँचाना चाहिए उसको अस्पताल, ताकि दिल की बीमारियों का बरवक्त इलाज हो सके। हर साल की तरह इस साल भी मेन फोकस जो है वो इस बात पर है कि दिल के अमराज से बचा कैसे जा सकता है। तो बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्थी रखें, हम अपने खाने पीने में एहतियात बरतें, और अपनी हल्की फुल्की वर्जिश को रोज़ाना का मामूल बनाए। रोज़ाना के हिसाब से हमें तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट की वर्जिश रोज़ाना करनी चाहिए, जिसमें हम एक ब्रिस्क वॉकिंग है वो कर सकते हैं, एंड हल्की पुल्की जॉगिंग कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपनी ग़िज़ा को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सादा रखेंगे, उतना दिल के हवाले से अच्छा है।